हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे एक कप चावल के आटे से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम एक कप चावल का आटा डालेंगे, एक कप दही डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। इसे हम ढक देंगे। ढक कर इसे हम 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम एक बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे, एक बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। सब्जियां आप अपने मन पसंद का इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। इस तरह का होना चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और तवा को गर्म होने देंगे। तवा अब गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। तो अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे। छोटा बड़ा आप अपने अनुसार बना सकते हैं। इसे हम ढक देंगे। ढक कर इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम पलट लेंगे। इसके ऊपर 1 चम्मच तेल और डाल देंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे को सेक लेंगे। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब चावल के आटे का नाश्ता बनके रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।